मॉर्निंग बाबूलो। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई मेरे हुआ? तरफ से भी सर गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग बाबू। दिस इज हाँ सोनू हाँ नाम दिखा रहा है। सुनो, पढ़ाई हुआ है कुछ? पूरा हो रहा है सर, फुल कंसंट्रेट के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पूरा 100% दे रहा है सर अपना। एकदम एकदम देना ही चाहिए। बहुत अच्छा था। शुरू करें तब तक और लोग ज्वाइन करेगा। हाँ सर, कर दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग टाइमिंग डायग्राम से संबंधित सब पढ़े थे। म्यूट कर दो अपना सब, म्यूट हो। पिछले क्लास में हम लोग टाइमिंग डायग्राम से संबंधित समझे थे कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वह दो पार्ट में होता है, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल में 4 T-state से 6 T-state तक लगता है और एग्जीक्यूट साइकिल में दो ऑपरेशन होते हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे पहला शुरू करते हैं, टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फेच साइकिल। ऑपकोड फेच साइकिल यानी पहला जो होता है वह फेच साइकिल होता है। उसमें दो चीज का ऑपरेशन होता है, एक ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। यहाँ हम लोग पहला जो बी होगा तब हमेशा फेच ऑपरेशन होगा, यानी इस पीरियड में फेच ऑपरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो है करंट इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम मेमोरी से सारा बाइट को लेकर आता है। यानी प्रोग्राम जहाँ भी लिखते हैं हम लोग वो कहीं ना कहीं मेमोरी में लिखा रहता है। यानी फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ऑफ कोड और यह प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन नाम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम का एक रजिस्टर होता है। ब्लॉक डायग्राम जब हम पढ़े थे तो वहां पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर बनाए थे, लिख दिए थे कि यह इंस्ट्रक्शन डिकोडर है या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो कभी भी जब भी ऑपकोड फेच ऑपरेशन होता है तो प्रोग्राम मेमोरी से हम लोग उसको इंटरनल रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको लाते हैं। तो जाके लाना मतलब फेच ऑपरेशन। अब पता है यहाँ पे टी साइकिल दिया हुआ है, यह टी ऑपरेशन 1 T-state इज प्रोवाइडेड बाय इंटेल इज 320 नैनो सेकेंड। यह टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर वाला पोजीशन 1 है और नीचे वाला पोजीशन 0 है। यह 0 1 बाइनरी फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर होता है। यह जो डायग्राम है वह निगेटिव लॉजिक को शो किया है, इसीलिए पहला स्टेट जो है 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 1। अभी तक हम लोग इसको ऊपर बना देते हैं, 0 यहाँ और उसके ऐसे डायग्राम बनाते थे, दैट इज पॉजिटिव लॉजिक। यहाँ पे निगेटिव लॉजिक का यूज किया गया है, यानी यह पोजीशन 1 और यह पोजीशन 0, बाइनरी है, दो स्टेट है। यह पहला जो यह खाना दिया हुआ है यह सिर्फ ट्रांजिशन को बताने के लिए दिया हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन को दिखाने के लिए बताया गया है। यानी यहाँ से स्टार्ट यह सेपरेट कर दे 0 और 1 को, सिर्फ यही चीज यह लाइन दिखाया है, 0 और 1 को सेपरेशन कैसे किया जाए। और यह तिरछा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। दिस इज यह जो है वह ट्रांजिशन पीरियड है। दो टाइप का टाइम आता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो भी होता है। पहला जो टाइम होता है ये, यह अगर ऐसे बना देते हैं ऊपर की ओर और ऐसे ऐसे, तो दो टाइम है, एक फॉल टाइम और एक राइज टाइम। यहाँ से यहाँ डाउन हुआ है, यह जो टाइम है वह फॉल टाइम होगा
और यहाँ से लेके यहाँ तक यह लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे दोनों के बीच में, यानी जीरो से वन और वन से जीरो स्टेबल आने के लिए दो टाइम होता है, दैट टाइम इज नोन एज ट्रांजिशन टाइम। ट्रांजिशन टाइम दो प्रकार का होता है, टी आर और टी एफ, राइज टाइम और फॉल टाइम। अगर वन से जीरो जा रहा है तो फॉल टाइम, जीरो से वन हो रहा है तो राइज टाइम होगा। या अब कहता है कि टाइमिंग डायग्राम बनाने के दौरान हम लोग इतने चीजों का टाइमिंग डायग्राम खींचेंगे, यानी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी कंप्लीमेंट होता है, यहाँ बार होगा आयो ऑब्लिक एम बार, यानी बिया चेक करता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वह इनपुट आउटपुट के लिए काम कर रहा है या मेमोरी के लिए काम कर रहा है। पिन में एक पिन हम लोग पढ़े थे, उसमें था आयो ऑब्लिक एम बार। पिन कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम लोग एक पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, वह था आयो ऑब्लिक एम बार, यानी यह चेक करता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वह इनपुट आउटपुट के लिए काम कर रहा है या मेमोरी के लिए काम कर रहा है। दूसरा है, पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे कि S1 S0 जो है वह शो करता है स्टेटस सिग्नल को, या स्टेटस सिग्नल को बताता है S1 S0। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दो पिन है तो चार कंडीशन होंगे, 00 01 10 11। 00 है तो हॉल्ट ऑपरेशन था, 01 था तो राइट ऑपरेशन, 10 है तो रीड ऑपरेशन, और 11 है तो फेच ऑपरेशन। यह चार टाइप के स्टेटस सिग्नल को जनरेट करता है। थर्ड पोजीशन जो है वह है एड्रेस के लिए, और नेक्स्ट वाला है AD0 से AD7, यानी एड्रेस और डाटा बस का पोजीशन बताता है। नेक्स्ट लाइन है ALE, एड्रेस लैच इनेबल, और लास्ट का है रीड। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह लाइन सब को क्या कहते हैं। तो यह जो है यह क्लॉक लाइन है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, यानी वैसा सिग्नल है जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, पहला चीज हो गया। और बिना क्लॉक के माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको पिन कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़े थे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोग कहे थे, एक नंबर और दो नंबर जो पिन था वह X1 और X2 था और इनपुट में था, यानी बाहर किसी सर्किट से हम लोग क्लॉक जनरेट करके हम लोग देते थे, और वह फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू से काम करता है। दो है, हमको 3 MHz ही चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन के लिए, X1 X2 वही क्लॉक जनरेट करके माइक्रो प्रोसेसर को देता है, यानी ऐसा कुछ डायग्राम देता है। इसका मतलब है कि वह क्लॉक जो भी है वह क्रिस्टल ओसिलेटर है, लेकिन वह रेक्टेंगुलर पल्स को जनरेट करके देता है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वह रेक्टेंगुलर पल्स को ही जनरेट करके देता है। ओसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर में इतना ही अंतर है कि ओसिलेटर जो है वह सिनोसॉइडल सिग्नल को जनरेट करके देता है, और मल्टी वाइब्रेटर जो है वह रेक्टेंगुलर को देता है। वह फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर हम लोग पढ़े थे एनालॉग में, 3 टाइप का, बाई स्टेबल, ए स्टेबल और मोनो स्टेबल। तो ए स्टेबल जो है वह फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है, दूसरी तरफ बोल सकते हैं कि वह क्लॉक फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी है, जिसका टी ऑन और टी ऑफ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सुविधा के लिए टी ऑन और टी ऑफ दोनों इक्वल कर देते हैं, ताकि यह भद्दा नहीं दिखे और अच्छा भी दिखे। वह डिपेंड करता है अपने चॉइस में, 3 MHz इधर भी दिए, 3 MHz इधर भी दिए, यानी क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है वह डिवाइड बाई टू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक काम नहीं करेगा, निगेटिव लॉजिक पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक काम करेगा और यहाँ से यहाँ तक काम नहीं करेगा। टोटल टी ऑन और टी ऑफ मिला के 1 T state बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेच साइकिल के लिए 4 T state है, तो हम लोग आउटपुट फेच ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने 4 T state बना दिया। 1 T state यहाँ से यहाँ तक, 2 T state यहाँ से यहाँ तक, 3 T state यहाँ से यहाँ तक, 4 T state। देखो यहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो रहा है, ट्रांजिशन को शो कर रहा है,
यहां से डाउन हुआ और यहां पे खत्म हुआ, यहां से यहां तक एक टी स्टेट शो किया, फिर यहां से डाउन हुआ, फिर यहां तक आया, जहां तब ना एक साइकिल बना रहा है, एक कंप्लीट साइकिल। तो चार टी स्टेट का हम लोग क्लॉक बना दिए। पहला डायग्राम हमेशा टाइमिंग डायग्राम तो निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है, अब क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। तो पहला डायग्राम जो भी खींचेंगे सो क्लॉक का खींच देंगे। अगर आप लोग पेन और कॉपी सामने है तो ऐसा डायग्राम खींच सकते हैं चार टी स्टेट का, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि बाद में बनाना सुविधा हो। बनाते रहिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसा वैसा डायग्राम अपने पेन से कॉपी पे, सादा कॉपी यूज करें तो ज्यादा बेटर है, तो उसे बनाते रहिएगा अभी डायग्राम। यह क्लॉक सिग्नल हो गया। यह टाइप का डायग्राम उसको बोलते हैं सिंगल लाइन सिग्नल। यह जो डायग्राम बना हुआ है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम या सिग्नल, सिंगल लाइन सिग्नल, सिंगल लाइन सिग्नल। इसमें दो स्टेट को दिखाया जाता है, जीरो और वन। तो आपको फेज जो है वह मेमोरी के लिए काम कर रहा है, और मेमोरी में क्या वैल्यू है, आयो ऑब्लिक एम कम्प्लीमेंट, यानी मेमोरी के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब है यह जीरो सिग्नल देगा, यह जीरो सिग्नल होगा। तो जीरो इनपुट आउटपुट का वैल्यू जीरो, और जीरो मेमोरी के लिए है तो एम कम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे, तो जीरो का वैल्यू वन, यानी मेमोरी के लिए काम करेगा तो वह जीरो सिग्नल जनरेट करेगा, और इनपुट आउटपुट के लिए काम करेगा तो वन सिग्नल देगा। यहाँ पे यह पोजिशन वन और यह पोजीशन जीरो। तो यह यहां से डायरेक्ट लाइन भी खींच देते तो मेरा चलता, यहां लिख देते जीरो, ओके। लेकिन अच्छा होता है कि हम ट्रांजिशन को शो करें, तो ट्रांजिशन को शो करने के लिए इनिशियली वैल्यू हम वन पे कर दिए और यह ट्रांजिशन शो कर दिए, और यह कंप्लीट चारों टी स्टेट में यह जीरो स्टेट है। यानी यह डायग्राम शो कर रहा है कि यह जो सिग्नल है, यह इस समय जो माइक्रो प्रोसेसर है वह मेमोरी के लिए काम कर रहा है, यह डायग्राम शो करता है। यहाँ वन पोजीशन है, यहाँ जीरो पोजीशन है, यह ट्रांजिशन को शो कर रहा है। अगर यह ऐसा नहीं लिख के हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लाइन भी खींच दें और यहाँ जीरो लिख दें तो भी चलेगा मेरा, तो भी करेक्ट वैल्यू होगा, लेकिन बेटर है ट्रांजिशन को शो करना। इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन को शो किए। यह वन लेवल है और यह जीरो लेवल है। जीरो जो है वह मेमोरी को इंडिकेट करेगा, वन जो है वह इनपुट आउटपुट को इंडिकेट करेगा, इसीलिए यह जीरो सिग्नल पे हम लोग कर दिए। जैसे ही कभी भी कोई भी ऑपरेशन मेमोरी के लिए काम करेगा, यह सिग्नल हमेशा ऐसा ही डायग्राम बनेगा। दूसरा चीज होता है स्टेटस के लिए, तो फेच ऑपरेशन कर रहा है, तो फेच ऑपरेशन के लिए S1 भी 1 और S0 भी 1। यह S1 और S0 सिग्नल हमेशा एक साथ ही बनेगा, यानी दोनों का वैल्यू यहाँ 1-1 है। तो यहाँ देखो यह 0 लेवल हो गया और यह 1 लेवल हो गया, यहाँ पे यह 1 लेवल हो गया। तो यहाँ फिर यह यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन को शो करता है और कुछ नहीं शो करता है, यानी यह जीरो से वन यहां से लेकर यहां तक वन लेवल है। इसका मतलब है यह S1 और S0 जो सिग्नल है वह वन पोजीशन पे है, और वन पोजीशन पे अर्थ ही होता है कि अगर S1 S0 वन वन हो तो उस समय माइक्रो प्रोसेसर फेच ऑपरेशन करेगा। यहाँ पे यह डायग्राम क्लियर बता रहा है कि S1 S0 जो है वह वन है और वन पे फेच करना है। हम डायग्राम भी बना रहे हैं तो वह आउटपुट फेच ऑपरेशन का ही बना रहे हैं। यह हो गया आउटपुट फेच ऑपरेशन को स्टेटस सिग्नल 1-1 S1 S0 का वैल्यू। या दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज नोन एज मल्टीपल लाइन सिग्नल्स। ऐसा कोई डायग्राम है इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन सिग्नल। इसका मतलब है A8 से A15 इसमें 8 लाइन है, A8 से A15 इसमें 8 लाइन है जो एक साथ चल रहा है, इसीलिए
यह एक बस के रूप में डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल लाइन सिग्नल। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक यह ट्रांजिशन को शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक यह ट्रांजिशन को शो करता है। नहीं, डिजिटल में हम लोग पढ़े हैं बाइनरी फॉर्म में, या तो जीरो होता है या वन होता है, लेकिन एक और कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं ट्राई स्टेट, जिसका मतलब होता है हाई इम्पीडेंस, हाई इम्पीडेंस। तो यह जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, यह भी एक मल्टीपल लाइन है, यह ए डी जीरो से ए डी सेवन, इसमें भी आठ लाइन्स है, आठ एक बार में आठ लाइन चल रहा है, इसमें आठ लाइन को इंडिकेट करता है, इसीलिए यह भी एक मल्टीपल लाइन सिग्नल है। लेकिन यह कंप्लीट मल्टीपल लाइन सिग्नल है, दोनों में अंतर क्या है कि यह मल्टीपल लाइन है, यह मल्टीपल लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन है। यह जो बीच का डॉटेड लाइन है यह डॉटेड लाइन है, यह पीरियड जो है वह ट्राई स्टेट कहलाता है, ट्राई स्टेट या हाई इम्पीडेंस कहलाता है, ट्राई स्टेट या हाई इम्पीडेंस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक जो भी सिग्नल जनरेट होगा दैट इज हाई इम्पीडेंस, यहाँ से यहाँ तक जो भी सिग्नल होगा दैट इज हाई इम्पीडेंस, और यह जो है ट्रांजिशन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन है। यह भी एक सिंगल लाइन ऑपरेशन है और यह भी एक सिंगल लाइन ऑपरेशन है, सिंगल लाइन सिग्नल है। अब देखिए यहाँ पर, यानी यह आयो ऑब्लिक एम बार समझ गए, एस वन एस जीरो समझ गए, और यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस हमेशा 16 बिट का होता है, तो 8 बिट प्रोग्राम काउंटर का हायर बिट। मान लिया जाए कि हम 2000 एड्रेस को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो 20 हायर प्रोग्राम काउंटर हो गया और 00 जो है वह लोअर प्रोग्राम काउंटर हो गया। तो यह 8 से 15, यानी यह हायर एमएसबी हायर बाइट को शो कर रहा है, इसीलिए यह यहाँ पे 20 का वैल्यू लिखाएगा, प्रोग्राम काउंटर का हायर वैल्यू। AD0 से AD7 यह एड्रेस और डाटा दोनों के लिए काम करता है, यह एड्रेस और डाटा दोनों के लिए काम करता है, इसीलिए इसमें दोनों चीज समाहित है। पहला टी स्टेट में PCL है, यानी यहाँ PCH है, तो यहाँ पे 2000 एड्रेस हम लोग लिए हैं, तो यहाँ 20 वैल्यू होगा, तो यहाँ पे 00 वैल्यू होगा, यानी वह एड्रेस एड्रेस का लोअर बाइट। और यहाँ पे जो भी ऑपकोड होता है, जो भी डाटा ऑपकोड होता है D0 से D7, यहाँ से यहाँ तक होता है। यह ऑलवेज ऑलवेज यह PCL जो है वह पहला टी स्टेट में ही होगा, और यह जो है PCH यह पहला टी स्टेट से शुरू होगा, और थर्ड स्टेट के बाद यानी फोर्थ स्टेट में जैसे ही इन करेगा वैसे ही खत्म होगा। यह सभी केस में एप्लीकेबल होगा, सभी केस में, जैसा सिर्फ ऐसा डायग्राम बना देना है। इफ क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो एड्रेस का हायर बाइट यहाँ लिखाएगा और लोअर बाइट यहाँ लिखाएगा, और ऑफ कोड का वैल्यू जो भी है सो यहाँ लिखाएगा। ALE एड्रेस लैच इनेबल, इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक ऑफ द मशीन साइकिल। पिन कॉन्फ़िगरेशन में एक पिन हम लोग पढ़े थे ALE सिग्नल, ALE पिन पढ़े थे, वहां पे हम लोग बताए थे कि इसको हम आगे देखेंगे, अभी भी इसको अगले क्लास में और भी क्लियर कट देखना है कि हाउ डाटा इज मल्टीप्लेक्स्ड, यह हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि डाटा जो है वह मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करता है, यानी कैसे सेपरेट कर, कैसे समझता है यह डाटा एड्रेस के लिए है, यह डाटा डाटा के लिए है, यह वैल्यू डाटा के लिए है या यह वैल्यू एड्रेस के लिए है, माइक्रोप्रोसेसर कैसे समझता है। अभी यह हमेशा यह पहला क्लॉक में हाई होगा और बाकी में जीरो हो जाएगा। इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक ऑफ द मशीन साइकिल, यानी पहला क्लॉक में इट गोज हाई एंड
सारे केस में यह ग्राउंड पे रहेगा, जीरो पे रहेगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल। यही लाइन डिसाइड करता है कि माइक्रोप्रोसेसर जो है वह पहला टी स्टेट में प्रोग्राम काउंटर लोअर यानी यह एड्रेस का लोअर बाइट के लिए काम करेगा और नेक्स्ट क्लॉक जैसे ही होगा उसके लिए वह डाटा के रूप में काम करेगा। यानी एडी जीरो ही सिग्नल, एडी जीरो से एडी सेवन या आठ बाइट या आठ लोअर आठ बाइट, यह एड्रेस और डाटा दोनों के लिए काम करता है। इसीलिए यही डिसाइड करता है कि यह जो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहा है एएलई सिग्नल, यह पहला हमेशा एड्रेस के लिए काम करेगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा टी स्टेट में यह डाटा के लिए काम करेगा सारे एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए। माइक्रोप्रोसेसर को रीड ऑपरेशन करना होगा, तो रीड ऑपरेशन कंप्लीमेंट है, यहाँ देख लो यहाँ आरडी बार है, आरडी कंप्लीमेंट, और यह हमेशा दूसरा से तीसरा टी स्टेट में काम करता है। यह वन मतलब उस समय रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जैसे ही यह सेकेंड में जाएगा यह काम करना शुरू हो जाएगा, निगेटिव लॉजिक है यानी जीरो पे काम करेगा, तो वन पोजिशन से जीरो पोजिशन में आ गया और यह सेकेंड टी स्टेट में काम खत्म करके फिर अपना पुनः अपने रूप में आ जाता है। यानी यह सिग्नल जेनरेट ही करता है वह टू और थ्री टी स्टेट में करता है। यह पूरा डायग्राम आपको फेच का हो गया, जितना बात हम लोग बोले वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में। आरबट के एग्जाम में अगर पूछता है तो यह डायग्राम बनाना है और जो बोला गया है वह डिस्क्राइब कर देना है, जो यह कहता है उसी को एक आध पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर देना है, नंबर एक भी नहीं कटेगा इसमें। एक दो बार प्रैक्टिस करने पे यह समझ में आ जाता है, क्लियर कट यहाँ पे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं ऑपकोड मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी रीड ऑपरेशन हम लोग चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन का डायग्राम कैसा होगा। यह डायग्राम वी नो दैट मेमोरी रीड के लिए मेरा T1 T2 और T3 तीन वैल्यू लेता है, तो तीन टी स्टेट का बना लिए, तीन क्लॉक दे दिए, मेमोरी के लिए काम कर रहा है तो आयो ऑब्लिक एम बार जो है वह जीरो पे जाएगा, तो देखो यहाँ पे जीरो पे कर दिए, जीरो S1 और S1 यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि मेमोरी रीड के लिए S1 का वैल्यू 1 और S0 का वैल्यू 0 होता है, तो बस यहाँ पे वहां पे सिंगल लाइन ऐसे बना दिए थे और S1 कॉमा S0 दे दिए थे, दैट मींस S1 और S0 दोनों 1 है और यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन को शो करना है हमको, तो S0 को 1 से 0 ले, हमको 0 पोजीशन पे रखना है, यहाँ 0 पोजीशन पे S0 है, यहाँ पे ट्रांजिशन शो कर दिए S0 के लिए और यहाँ पे ट्रांजिशन शो कर दिए 1 के लिए, यानी S1 का वैल्यू इसमें पूरे में 1 है और S0 का वैल्यू पूरे में 0 है। यह रीड मेमोरी रीड ऑपरेशन को शो करता है, यह मेमोरी को शो करता है और यह रीड ऑपरेशन को शो करता है। सिमिलरली प्रोग्राम एड्रेस के लिए PCH का यह डायग्राम हो गया और एड्रेस और डाटा के लिए हो गया, PCL पहला साइकिल में, दूसरा और तीसरा में डाटा के लिए, सेम डायग्राम बनेगा अगर ऊपर में देखेंगे तो। ALE के लिए पहला साइकिल में हाई होगा बाकी में 0, रीड बार के लिए दूसरा और तीसरा टेस्ट में यह डायग्राम बनेगा। सिर्फ अंतर क्या है पिछले और इसमें, सिर्फ एक सिग्नल S1 और S0 का वैल्यू ऊपर वाले और इस वाले में चेंज है, वहां पे T4 तक था, यहाँ तीन टी स्टेट है तो T3 तक। सिमिलरली फॉर यह मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए, सिमिलरली हम जान बनाना चाहते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए। देखो सारा डायग्राम यहाँ सेम रहेगा, मेमोरी के लिए काम कर रहा है तो यह डायग्राम सेम, एड्रेस वाला डायग्राम सेम, यह डायग्राम सेम, यह डायग्राम सेम, बदलेगा क्या, सिर्फ यह स्टेटस सिग्नल का डायग्राम और रीड के जगह पे राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो WR कंप्लीमेंट। मेमोरी के लिए हो गया इनपुट आउटपुट मेमोरी के लिए जैसे का तैसे, यहाँ पे राइट ऑपरेशन सिग्नल का हमको पता है कि S1 जीरो होगा S01 होगा, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इंटरचेंज कर दिए, यहाँ वैल्यू S1 ऊपर लेगा S0 नीचे, यानी यह S0 का वैल्यू 1 होगा
और S1 का वैल्यू जीरो होगा। बाकी यह सेम, यह भी सेम और यह भी सेम, और यहाँ रीड के जगह पे राइट ऑपरेशन हो गया। बेसिकली यही तीन डायग्राम है, पहला आउटपुट फेज डायग्राम, दूसरा रीड डायग्राम, तीसरा राइट ऑपरेशन का डायग्राम। बेसिकली यही तीन डायग्राम है। अब कहता है कि सर जैसे बहुत इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े हैं जिसमें 7 टी स्टेट था, किसी में 10 टी स्टेट था, किसी में 12 टी स्टेट था, किसी में 16 टी स्टेट था, किसी में 18 टी स्टेट था। हाँ, जितना टी स्टेट रहेगा जैसा जैसा ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं एम वी आई आर कॉमा डाटा, एम वी आई आर कॉमा डाटा यानी मूव इमीडिएट डाटा टू रजिस्टर, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 2 मशीन साइकिल लगता है और टी स्टेट जो है वह 7 है टोटल, 4 फॉर आउटपुट फेच ऑपरेशन एंड 3 फॉर रीड ऑपरेशन, डाटा रीड ऑपरेशन। यानी इस इंस्ट्रक्शन का अगर हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो यह इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम में 7 टी स्टेट बनाना होगा, 4 फॉर फेच और 3 फॉर मेमोरी रीड। तो इसका एग्जाम्पल का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ एम वी आई आर कॉमा डाटा, 4 टी स्टेट बना ली, 2 मशीन साइकिल है तो M1 और M2 मशीन साइकिल हो गया, यहाँ पे क्लॉक डायग्राम बना दिए। अब मेमोरी के लिए काम कर रहा है तो यहाँ पे ट्रांजिशन शो कर दिए और यह पूरा का पूरा जीरो हो गया, पूरा दोनों के लिए। मेमोरी रीड है तो मेमोरी रीड, यह भी मेमोरी के लिए शो कर रहा है, यह भी मेमोरी। यहाँ पे चाहें तो फिर से इसको 1 ले जाके यहाँ पे ऐसे करके फिर से यहाँ पे ट्रांजिशन को शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। या कंप्लीट जीरो भी कर दिए तो सेंस हो गया मेमोरी के लिए। हम चाहें तो फेच और रीड दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही डायग्राम होगा, टोटल एक साथ डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 7 टी स्टेट लगता है। तो यहाँ पे चाहे तो हम ट्रांजिशन करके शो कर सकते हैं, चाहे तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। दूसरा है S1 S0, पहला यह S1 S0 फेच के लिए है तो दोनों का सिग्नल 1 हो गया, और यहाँ पे रीड है तो रीड में फिर क्या होगा, चेंज S0 का वैल्यू 0 और S1 का वैल्यू 1, यहाँ पे ट्रांजिशन को शो कर दिया, ट्रांजिशन को यह बता रहा है कि यह रीड के लिए, जो मेमोरी रीड का डायग्राम अभी बनाए थे वही डायग्राम यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए। तीसरा एड्रेस और डाटा के लिए PCH वहां भी बनाए थे, यानी MSB of address कर दिए, सिमिलर डायग्राम यहाँ पे शो कर दिए। एड्रेस और डाटा के लिए तो यहाँ LSB of address था और यहाँ आउटपुट था तो वही लिख दिए। यह PC+1 हायर हो गया और PC+1 लोअर के लिए हो गया, और यहाँ डाटा जो डायग्राम अभी बनाए थे सो, और यह पहला क्लॉक में हाई होगा तो पहला क्लॉक में यहाँ भी हाई, यहाँ भी हाई। यहाँ आउटपुट फेच का रीड है और यहाँ रीड साइकिल का रीड है, दोनों केस में रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो दूसरा से तीसरा टी स्टेट में, दूसरा से तीसरा टी स्टेट में। यह क्वेश्चन हमेशा आर्यभट्ट में पूछा है, MVI R, डाटा फर्क क्या होगा कि डाटा के जगह पे कोई वैल्यू दे सकता है, 45H कर देगा, 56H कर देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ डाटा का देगा वह यहाँ पे पुट कर देंगे, और पूछ सकता है MVI A, डाटा तो MVI A का जो ऑपकोड होगा, जो हम लोग टेबल बनाए हैं आप 246 कोड हेक्स कोड का, उसमें जो MVI A मूव इमीडिएट डाटा टू एक्यूमुलेटर, MVI B का पूछ सकता है, जो भी होगा उसका जो ऑपकोड वैल्यू है वह ऑपकोड वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। बाकी डायग्राम से यह क्वेश्चन हमेशा पूछा है। इसी तरह हम लोग 10 टी स्टेट भी रहता, अगर मान लिया कि एक फेच 2 रीड रहता तो 3 टी स्टेट यहाँ ऐड कर देते और यही डायग्राम को फिर से रिपीट कर देते, सिर्फ यह वैल्यू चेंज होगा, डाटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी सारा डायग्राम सेम। अगर मान लिया कि 3 रीड ऑपरेशन
एक फेज दो रीड दो एक राइट रहता, यहाँ एम टू रीड एम थ्री रीड एम फोर जो है वह राइट ऑपरेशन वाला टेबल हम ऐड कर देते। इस तरह हम लोग इंस्ट्रक्शन याद है, और इंस्ट्रक्शन के दौरान हम कहे थे कि सब कोई मशीन साइकिल और टी स्टेट जरूर से जरूर याद कीजिए। अगर याद रहेगा तो हमको किसी भी इंस्ट्रक्शन का हम टाइमिंग डायग्राम खींच सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ तौसीफ, समझ में आ गया बाबू? अभिषेक तौसीफ, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। दो बच्चा और ज्वाइन किया था, चला गया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा नेटवर्क की वजह से। हाँ हो सकता है। कौन कौन था? एक था शिवानी, और ये कौन? सोनू। सोनू भी शायद था। ठीक है बाबू, समझ में आ गया है इतना। इस डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर लिए थे सर, जो आप फर्स्ट वाला जो बताए थे। हाँ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं चलेगा, भूल वाला कर लेते हैं, थोड़ी रीड वाला भी कर लेंगे। एकदम सब टोटल जितना चारों डायग्राम एक्सप्लेन किए, चारों डायग्राम, इससे एक वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा बाबू। रखें फिर? ओके सर, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कंट्रोल सिग्नल और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बताएंगे। वो बी राम में नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे, हमको ऐसा लगता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेवेंथ चैप्टर, जिसमें सबरूटीन नाइन्थ चैप्टर में है, जिसमें दिया हुआ है कुछ इंटरफेसिंग का क्वेश्चन है, और इंटरप्ट पे एक क्वेश्चन पूछता है, तो डिटेल्स वेक्टर डायग्राम ऑफ इंटरप्ट सिग्नल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाबू।